भोपाल से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भोपाल पहुंचे हैं, प्रस्तावित किसान आंदोलन को लेकर संगठन और सरकार से बात कर सकते हैं। एक दिन पहले मोदी कैबिनेट की बैठक के चलते वो नहीं पहुंचे थे चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में, और अब केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भोपाल पहुंचे हैं। प्रस्तावित किसान आंदोलन को लेकर संगठन और सरकार से बात कर सकते हैं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। बता दें, एक दिन पहले मोदी कैबिनेट की बैठक होने की वजह से वो नहीं आ पाए थे, और इसके बाद अब वो आज पहुंचे हैं भोपाल और किसान आंदोलन को लेकर संगठन और सरकार से चर्चा कर सकते हैं। आशीष मंगल सोनी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आशीष जी, खबर मिल रही है कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भोपाल पहुंचे हैं, क्या कुछ यहां पर चर्चा कर सकते हैं वो? केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सुबह से भोपाल पहुंच चुके हैं, अपने बंगले पर हैं। आपसे कुछ ही देर बाद नरेंद्र सिंह तोमर मीडिया से मिलेंगे, और उसके बाद चुनाव प्रबंधन, एक दिन पहले जब चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अजित जैन भोपाल पहुंचे थे, तब मोदी बैठक होने की वजह से नरेंद्र सिंह तोमर भोपाल नहीं पहुंच पाए थे। ऐसे में चुनाव प्रबंधन समिति की जब अहम जिम्मेदारी उनके हाथ में, तो मध्य प्रदेश में उनका समय देना पड़ गया है, इसी सिलसिले में वो भोपाल पहुंचे हैं। और इसके साथ ही जो मध्य प्रदेश में 1 से 10 जून को प्रस्तावित किसान आंदोलन है, जिसको लेकर सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह दोनों ही कह चुके हैं कि यह कांग्रेस यहाँ पर अराजकता है, वो कांग्रेस का षड्यंत्र है। तो इसी के मद्देनजर संगठन स्तर पर बात करने के लिए नरेंद्र सिंह तोमर संगठन के तमाम पदाधिकारियों से चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि प्रबंधन समिति के वो मुखिया भी है। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में नरेंद्र सिंह तोमर प्रदेश में बढ़ गई है। और इसी के साथ में माना जाए कि पूरी तरह से इस बार किसान आंदोलन जो हुआ था, और कांग्रेस जिस तरह से आम सभा करने जा रही है, उसको लेकर तैयार है, क्योंकि कल ही लॉ एंड ऑर्डर की बैठक भी हुई थी, और आज भी कहा जा रहा है कि किसान आंदोलन को लेकर चर्चा कर सकते हैं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। किसान आंदोलन को लेकर वो संगठन के पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे, और चुनावी साल है लिहाजा पिछले गलतियां सरकार और सत्ता संगठन के नुमाइंदे ना करें, इसको लेकर वे खाते चिंतित हैं, और इसी को लेकर ये संगठन के पदाधिकारियों से बात कर सकते हैं। एक दिन पहले मंदसौर और नीमच क्षेत्र के तमाम विधायकों की चर्चा प्रदेश अध्यक्ष से हुई है, तो वो उसका फीडबैक भी ले सकते हैं। और ऐसे में सरकार के सामने सबसे बड़ी बड़ा सवाल है कि किस तरह से किसान आंदोलन और कांग्रेस, जो बीजेपी बार बार कह रही है कि कांग्रेस षड्यंत्र कर रही है, तो उसका किस तरह से पर्दाफाश करिए। तमाम जो रणनीतिक है, जो राजनीतिक विचार हैं, उसको लेकर नरेंद्र सिंह तोमर पर संगठन के पदाधिकारियों से चर्चा कर सकते हैं अमिता जी। धन्यवाद बहुत बहुत तमाम जानकारी के लिए। तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भोपाल पहुंचे हैं, प्रस्तावित किसान आंदोलन को लेकर संगठन और सरकार से चर्चा कर सकते हैं। बता दें कि कल ही लॉ एंड ऑर्डर की एक बैठक हुई थी, जिसमें भी ये तय किया गया कि किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बनाए रखना है, क्योंकि किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस आम सभा करने जा रही है, और इसी को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने भी एक बड़ा हमला किया था और कहा था कि प्रदेश को हिंसा की आग में झोंकना चाहते हैं कांग्रेस। साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह भी कह चुके हैं कि कांग्रेस हिंसा फैला सकती है, तो इस तरह से पूरी तरह से सतर्क इस बार सरकार किसान आंदोलन को लेकर नजर आ रही है।